हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे सुबह के 7 बज गए हैं और आज का दिन है बुधवार, और अभी सुबह के 7 बज गए हैं और अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय तो चढ़ाई थी, मतलब चाय बन गई थी, और मैं ना शक्कर डालना भूल गई थी चाय में। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं भूल गई हूँ, तो पहले मैंने थोड़ी सी पीकर देखी चाय, तो सच में इतनी गंदी लगी ना चाय, मतलब एकदम मुँह ना कड़वा हो गया मेरा। तो अभी शक्कर डाली मैंने और फिर से गर्म करके पी ली, और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ। खुशी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तो नाश्ते में उसको मैं आज भगर बना रही हूँ, क्योंकि रवा और पोहे ख़त्म है घर में के, और मैं शाम में मंगाना भी भूल गई। तो फिर अब भगर बना लेती हूँ, और भगर भी अच्छे से खा लेती हूँ, उसको पसंद आती है भगर, तो फिर उसको भगर बना ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने साथ में दाल चावल का कुकर भी लगा लिया है। और ये जो व्लॉग है ना, तो ये बुधवार के दिन का व्लॉग है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये शुक्रवार है, और बीच में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुवार के दिन, मतलब कुछ ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो घर के काम ही जो है ना धीरे धीरे कर पा रही थी मैं। तो फिर जो एडिटिंग वगैरह का काम ना नहीं हुई मुझसे, थोड़ा सा फीवर था, मतलब फीवर ज़्यादा था, तो फिर लेटी रही दिन भर, थोड़े थोड़े काम किए और लेटी रही। और ये जब मैं यहाँ पे भगर वगैरह बना रही हूँ ना, तो आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, धीरे धीरे से मैं काम कर रही थी, लेकिन गुरुवार के दिन ना थोड़ी ज़्यादा खराब थी। और अभी मैंने घर को झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है, बाहर का बस थोड़ा झाड़ लिया और पानी वगैरह मार दिया और फिर नहा लिया। और झाड़ू पोछे का काम जो है ना, मैंने मौसी को बोल दिया है 2-3 दिन करके देने के लिए, तो फिर 3-4 दिन ना मौसी ही करके देंगे मुझे झाड़ू पोछा वगैरह। जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ काम करने के लिए, नहीं तो फिर तबीयत वगैरह ठीक होती है, कोई काम नहीं होता है ना मुझे, तो फिर घर के सारे काम ना मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। पहले था वो पोछा लगा देते थे मुझे, लेकिन जब से मैंने जो मॉप वगैरह लिया है ना, तो फिर मैं खुद ही पोछा लगा रही हूँ। और उनके हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, फ्रैक्चर वगैरह हो गया था हाथ उनका, तो फिर मैं भी उनको ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर ऐसे काम पड़ता है ना मुझे, तो कभी भी करके देते हैं, कभी मेहमान वगैरह आ जाते हैं, कभी मुझे ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी जब भी मैं बोलती हूँ ना, तब मुझे वो करके देते हैं। तो अभी देखिए, भगर वगैरह फ्राई कर दी मैंने धीमी गैस पर, अब उसको पकने के लिए रख दिया है। और साथ में ना मैं यहाँ पर खुशी के लिए दूध गर्म कर ले रही हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये वाला टाइम जो है ना, यहाँ पे सारे काम हो गए हैं मेरे, मतलब झाड़ू पोछा तो मौसी ने कर दिया है, और मैंने भी खाना जल्दी जल्दी बना लिया है। और अभी यहाँ पे काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, और थोड़े बर्तन जो थे वो बर्तन साफ़ कर लिए, और यहाँ पर ना मैं ज्वारी धो रही हूँ, और ज्वारी धोऊंगी और सूखने के लिए रख दूंगी आज, और फिर शाम में पिसवा के लेके आऊँगी। और गेहूँ का पिसना भी मुझे पिसवा के लाना है, तो गेहूँ को भी मैंने धूप में डाल दिया है, दिन भर गेहूँ धूप में सूखते हैं ना, तो फिर अच्छा जो आटा है ना अच्छा आता है, नहीं तो फिर आटा अच्छा नहीं आता अगर सूखा के नहीं देती हूँ तो। और ये जो मैं ज्वारी धो रही हूँ ना, तो ये ज्वारी धोना ज़रूरी है आज, क्योंकि कल नहीं तो फिर परसों ना मम्मी पापा आने वाले हैं, हुआ तो कल आ जाएंगे, नहीं तो फिर परसों आएंगे, तो उनको ज्वारी की रोटी पसंद आती है, और फिर मैं ज्वारी की रोटी नहीं बनाती हूँ ना, तो पापा बहुत चिल्लाते हैं कि ज्वारी की रोटी क्यों नहीं बनाई, तो इस वजह से फिर मैंने आज ज्वारी धो के रख दी है, दिन भर सूखेगी और फिर शाम में मैं पिसवा के लेके आऊँगी। गेहूँ का पिसना मुझे लाना ही है ना, तो फिर साथ के साथ दोनों हो जाएंगे। और अभी देखिए, अभी का टाइम जो है ना, अभी 4 बज गए शाम के, ऋषभ आ गया था, ऋषभ को खाना वाना खिला दिया मैंने, खुशी भी आ गई थी 1 बजे। और दोपहर में ना मैंने आज रेस्ट ही किया है, कोई काम वाम नहीं किया, और फिर ऋषभ के आने के बाद उसको खाना वाना खिलाया मैंने, और फिर खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी की सब्जी ले ली है तोड़ने के लिए, वैसे तो मेथी की जो जुड़ी है ना, वो 4 जुड़ी मेथी है, तो मैंने अभी 2 ही ली है साथ में, तो ये वाली अगर अच्छे से तोड़ना होगी ना मुझसे, तो फिर मैं 2 लेकर आऊँगी। और हरा धनिया है वो साफ़ करना है, और थोड़ी अदरक छील के रख रही हूँ, मुझसे ना ज़्यादा देर तक लेटा नहीं जाता, थोड़ी देर तो मैं लेट गई थी दोपहर में, लेकिन ज़्यादा लेटती हूँ ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं उठ के ना अपना कुछ भी काम वगैरह करने लगती हूँ, या तो टीवी देखूंगी या तो कुछ करूँगी, लेटा नहीं जाता मुझसे ज़्यादा देर तक। और यहाँ पर ना सब्जी तोड़ते तोड़ते ही ना बीच में ही इनका कॉल आ गया, मैंने क्या किया है, जो किराना है ना, तो किराने की लिस्ट तो बना ली थी, लेकिन इनको देना भूल गई थी मैं, तो फिर इनका भी कॉल आया कि वो जो लिस्ट का फोटो है ना, तो व्हाट्सअप से मुझे भेज दे, तो फिर वही कर रही हूँ मैं, चेक कर लिया मैंने एक बार लिस्ट को, और उसके बाद व्हाट्सअप से भेज देती हूँ। अभी इस बार तो मैंने इतना ज़्यादा कर दिया ना, कितने दिनों से जो किराना है ना ख़त्म हो रहा था घर में का, लेकिन मुझे बोलने की याद नहीं रह रही थी ना, लिस्ट बनाने की याद रह रही थी, अभी जैसे तैसे मैंने लिस्ट बना ली है, तो लिस्ट देना भूल गई मैं उनको, तो अभी यहाँ पे मैंने फोटो भेज दिया है उनको, तो वो आते टाइम फिर अब किराना लेकर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैंने मेथी की ना चारों की चारों सब्जी की जो जुड़ी है ना, वो तोड़ के रख दी है, तो मेरा धनिया भी साफ हो गया, मैंने अदरक भी छील ली, और अभी यहाँ पे मेथी भी मेरी पूरी साफ़ हो गई है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे कपड़े हैं थोड़े से, वो फोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े थोड़े से नहीं है, ज़्यादा कपड़े हैं, कपड़े फोल्ड किए नहीं है मैंने 2 दिन से, तो ये कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, और आज भी नहीं करूँगी ना, तो फिर और आज के कपड़े, मतलब ना कपड़ों का पहाड़ बन ही जाता है, मतलब थोड़ा सा भी छोड़ते हैं ना कपड़ों को, तो कपड़े का पहाड़ बन जाता है, और फिर जो पहाड़ देख के ना, फिर वो कपड़े फोल्ड करने का मन नहीं करता, थोड़े थोड़े से होते हैं ना, तो फिर वो साथ के साथ होते रहते हैं, मेरा ऐसे होता है, जब ज़्यादा ढेर लग जाता है ना कपड़ों का, तो फिर मैं ना वो काम को टालती रहती हूँ, साथ के साथ मैं काम करती रहती हूँ ना, तो फिर वो काम होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं, और कपड़ों को ना मैं अरेंज करके रख देती हूँ, और ये वाले जो कपड़े हैं ना, वो रखने के बाद फिर प्रेस करने के कपड़े देने हैं मुझे, तो फिर मैं वो निकालूंगी। वैसे तो मैं रोज़ के जो कपड़े होते हैं ना, मैं घर पे ही करती हूँ,
और अभी ना तबीयत ठीक नहीं हुई, इस वजह से फिर मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे जो कपड़े हैं ना इनके तो बाहर दे देती हूँ। ज़्यादा परेशान होने में ना कोई मतलब नहीं होता है, यूँ तो हम सारे घर के काम करते हैं ना तो, लेकिन ऐसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है, कुछ ज़रूरत होती है ना तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। देखिए हम लेडीज़ क्या करते हैं ना, कितने भी हम परेशान होते हैं, तबीयत हमारी ठीक नहीं होती है, चला नहीं जाता है, कुछ काम नहीं होते हैं हमसे, लेकिन फिर भी ना सारे काम हमको खुद को ही करने होते हैं, हम किसी की हेल्प नहीं लेते। जब ऐसे कुछ होता है ना, जब ज़रूरत होती है ना हमें, तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। और हमें तो जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो हमें हमारी तबीयत की चिंता नहीं होती है, हमें क्या चिंता होती है कि घर के काम कैसे होंगे, खाने में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, के घर के काम कैसे होंगे, यही प्रेशर लेते हैं हम। जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है ना किसी की भी, तो बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, टैबलेट वगैरह खा के थोड़ा आराम करते हैं ना तो फिर खुद ब खुद घर पर भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती ना तभी हम दिन भर शुरू को शुरू ही रहते हैं, तो इससे क्या होता है ना हमें ना चिड़चिड़ शुरू हो जाती है, फिर हम बच्चों पर चिड़चिड़ करेंगे, फिर हस्बैंड पर चिड़चिड़ करेंगे। उससे अच्छा है ना थोड़े थोड़े काम बांट देते हैं ना तो थोड़े थोड़े काम सभी कर लेंगे ना, तो ना तो हमारी चिड़चिड़ होती है ना उनकी होती है, क्योंकि हम उन पर चिड़चिड़ करेंगे ना तो घर का माहौल भी बिगड़ने वाला है। और अभी देखिए ये रात का टाइम है, रात के 9 बज गए हैं, और जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं ना अभी, तो मैं वो साफ़ कर रही हूँ, और शाम का खाना मैंने नहीं बनाया है, और रोटियाँ जो है ना खुशी ने बना ली थी, और उसके बाद जो सब्ज़ी है ना तो इन्होंने बाहर से लेकर आ गए थे, तो फिर सब्ज़ी तो बनानी ही नहीं पड़ी घर में, रोटियाँ खुशी ने बना ली, तो रात का काम रहे हो गया, मतलब खाना बनाने का काम हो गया मेरा। और ये जो सफाई का काम है ना ये खुशी को आता नहीं है, और वैसे करेगी बिना वो सफाई तो फिर वो वैसे नहीं करती जैसे मुझे चाहिए होती है, तो फिर मुझे ना सफाई अपने हाथों की ही अच्छी लगती है, और जब तक रात की सफाई मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे रात को अच्छा नहीं लगता। जब भी किचन में आती हूँ ना मैं और किचन सारा बिखरा देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ जब नहीं होता है ना मुझसे तब की बात और होती है, लेकिन जब तक होता है ना मुझे तब तक मुझे ना मेरा किचन साफ़ सुथरा चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैंने चकाचक अपना किचन साफ़ कर लिया है। अभी चकाचक साफ़ करूँगी ना तो सुबह एकदम किचन फ्रेश मिलता है, तो फिर सुबह का दिन मेरा बन जाता है। तो अभी देखिए मैंने किचन अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ा ना, तो फिर उतना थकावट हुई नहीं थी मुझे, तो किचन अच्छे से साफ़ हो गया मेरा, सिंक वगैरह सभी कुछ मैंने साफ़ कर लिया। और अभी ना बाहर से एक बार कपड़े लेके आती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं आए हैं तो